हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास इको रिसोर्ट के बारे में। एंड यू नो व्हाट स्पेशल अबाउट दिस प्रॉपर्टी, इट्स राइट एट द कॉर्नर ऑफ अ माउंटेन और इससे डायरेक्ट व्यू मिलता है कंचनजंगा का। एंड ऑल रूम्स आर कंचनजंगा फेसिंग। हाँ, हम बात कर रहे हैं जोपा डेलो इन, विच इज लोकेटेड इन कालिम्पोंग। पहाड़ों के बीच में सुकून भरी ये जगह जोपा डेलो इन। नीचे तीस्ता नदी बहता हुआ, सामने विशाल कंचनजंगा। सच में अतुलनीय है ये जगह। तो इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगी जोपा डेलो इन रिलेटेड सारे क्वेरीज। हाउ टू रीच द रिसोर्ट, हाउ टू बुक द रिसोर्ट, हाउ इज द फूड एक्सपीरियंस, हाउ इज द हॉस्पिटैलिटी, हाउ इज द कंफर्ट, पैकेज डिटेल्स, द एंटायर रिसोर्ट टूर, द रूम टूर, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए एड्रेस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रीच जोपा डेलो रिसोर्ट। तो जोपा डेलो इन जो है वो कालिम्पोंग में लोकेटेड है। और कालिम्पोंग आप कैसे पहुंच सकते हो, इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एड्रेस किया है कालिम्पोंग रिलेटेड सारे क्वेरीज। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी, तो जरूर चेकआउट कीजिए वो वीडियो। एक बार आप कालिम्पोंग पहुंच गए तब ये जोपा डेलो इन जो रिसोर्ट है दैट इज लोकेटेड इन द डेलो हिल्स। तो डेलो पार्क से अराउंड 1.3 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और जो वाटर रिजर्वायर है डेलो का दैट इज वेरी नियर टू दिस रिसोर्ट। तो चलिए एड्रेस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बुक द रिसोर्ट। तो जोपा डेलो इन इज करेंटली लिस्टेड इन मेक माई ट्रिप एंड ऑल्सो इन गोवा आईबीबो। तो इन दो जगहों पे आप बुकिंग कर सकते हो। स्काई स्कैनर में भी आप देख सकते हो कंपैरेटिवली कौन आपको बेटर रेट्स दे रहा है, उस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। फिलहाल ये रिसोर्ट booking.com या यात्रा वगैरह में लिस्टेड नहीं है, सो यू हैव टू ऑप्शंस टू बुक द रिसोर्ट। तो चलिए आप देख लेते हैं ये इको रिसोर्ट। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ के रूम्स। ये है यहाँ का स्वीट रूम, जहाँ एंटर करते ही आपको दिखता है ये नेचुरल वॉल, राइट साइड में टीवी और वॉल के सामने है एक 5-सीटर सोफा। ये जो वॉल है ये बेसिकली माउंटेन का ही पार्ट है, और यहाँ के ये जो सारे प्लांट्स है सब रियल है। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ यूनिक। उसके सामने ही है एक मिरर एंड साइड में है वॉशरूम। वॉशरूम का जो एक साइड का वॉल है वो माउंटेन का ही पार्ट है, एंड रेस्ट ऑफ द थ्री साइड्स हैव दिस इंटरेस्टिंगली ब्लैक एंड व्हाइट चेक्ड पैटर्न वॉल्स। इट हैज अ बाथटब, वेस्टर्न टॉयलेट एंड मॉडर्न सिंक। बाहर आते ही सामने है ये छोटा सा टेबल विद चेयर्स, जहाँ पे है टी कॉफी का अरेंजमेंट विद एन इलेक्ट्रिक केटल। देन राइट में है ये डबल बेड विद बेड साइड टेबल। एक छोटा सा पेंटेड वार्डरोब भी है फॉर कीपिंग योर थिंग्स। रूम मॉडरेटली स्पेशियस है, इंटरेस्टिंग है और काफी यूनिक है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसका जो एक साइड है वो पूरा ओपन फॉर व्यूइंग है, मतलब ग्लास वॉल्स है। तो यहाँ रूम में बैठे बैठे ही आपको दिखेगा ये सिटी व्यू प्लस सामने डिफरेंट माउंटेन रेंजेस का व्यू इंक्लूडिंग द मेजेस्टिक कंचनजंगा। ये रूम एक कॉर्नर रूम है, इसीलिए बेड के पीछे भी ग्लास वॉल्स है, तो वहां से भी आपको व्यू मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा रूम। ये रूम का इंटीरियर भी सिमिलर है बट पैटर्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ एंटर करते ही देयर आर टू सेक्शंस। लेफ्ट सेक्शन में है सिटिंग एरिया एंड दैट नेचुरल वेजिटेशन वाला माउंटेनस वॉल। बीच में है द वार्डरोब और इस साइड में है द बेड विद बेड साइड टेबल्स। उसके साइड में है वॉशरूम। अब देखते हैं यहाँ का डीलक्स रूम। ये कंपैरेटिवली छोटा रूम है। यहाँ राइट हैंड साइड में बेड, बेड साइड टेबल है, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है, यहाँ पे सामने वॉशरूम है, ये भी कंपैरेटिवली छोटा है। सामने दो चेयर्स है, टीवी यूनिट है, बट यहाँ से भी आपको व्यू वैसा ही मिलेगा।
ऑल द रूम्स हैव दिस कॉमन कॉरिडोर जिसके एक साइड में है रिसेप्शन, दूसरे साइड में है द एग्जिट टू द रेस्टोरेंट। तो चलिए आप चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ का आई वुड से डिसेंट है, नॉट द बेस्ट दैट आई हैव हैड, बट जो लोकेशन है, जो रिमोटली दिस प्लेस इज लोकेटेड, उस हिसाब से अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट इज द रेस्टोरेंट का जो लोकेशन है, एकदम ओपन रेस्टोरेंट है, आप बाहर भी बैठ के खा सकते हो, अंदर भी खा सकते हो, और खाते खाते भी आप पहाड़ का मजा ले सकते हो, नीचे नदी बहती हुई, आहा, खाने के टेस्ट के साथ ये जो पूरा एटमोस्फियर, ये पूरे एक्सपीरियंस पे चार चांद लगा देता है। So I would say food taste is decent, but the experience is very good. रात को देखिए इस जगह की अलग ही रौनक है। फुल मून नाइट, क्लियर स्काइज, ओपन रेस्टोरेंट और सामने चमकता हुआ व्यू ऑफ कालिम्पोंग। उसके साथ में अगर अपने पसंदीदार गानों के साथ बॉनफायर हो और बारबेक्यू भी, तब तो मजा अलग ही लेवल का आता है। यहाँ पे जो बॉनफायर एंड बारबेक्यू होता है वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सो दे विल गिव यू द मैरिनेटेड चिकन या जो भी आप बारबेक्यू करना चाहते हो, बट बाकी सब कुछ आप पे है, आप खुद अपना बारबेक्यू खुद करोगे, वहां पे बॉनफायर चलेगा, गाना वाना जलाओ, तो वो एक प्राइवेट पार्टी प्लेस बन जाता है, नो वन टू डिस्टर्ब, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, यहाँ पे वो आपको बना बनाया बारबेक्यू नहीं देंगे, आपको खुद ही देना है, इनफैक्ट वुड वगैरह जो भी आप डाल रहे हो सब आपको खुद ही करना है, उसको रीहीट करना है, वो भी खुद ही करना है, बट वो भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है ना, अपने प्राइवेट प्लेस में आराम से गाना वाना चला के पार्टी की। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पैकेज के बारे में। इसका जो स्वीट रूम है वो अराउंड ₹6,000 और जो डीलक्स रूम है वो अराउंड ₹4,000 में आपको मिल जाएगा, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द सीजन दैट यू आर बुकिंग। सो टाइम टू रिव्यू द रिसॉर्ट, इसको डिफरेंट पैरामीटर्स में रिव्यू कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद लोकेशन। माय गॉड, द लोकेशन इज द हाईलाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, फुल मार्क्स से भी ऊपर अगर कोई मार्क्स होता है इसको देना चाहिए। फैंटास्टिक लोकेशन, एकदम क्लिफ पे लोकेटेड है, क्लियर व्यू ऑफ कंचनजंगा, ऑल द रूम्स आर कंचनजंगा फेसिंग, और लाइक आई शोड राइट, पूरे ग्लास विंडोज है, आप अपने रूम में आराम से बैठ के भी सनराइज देख सकते हो और दिन भर कंचनजंगा देख सकते हो। मतलब कंचनजंगा देखने के लिए लोग नॉर्थ बंगाल जाते हैं, घंटों वेट करते हैं कि एक नजर दिख जाए, और इस रिसोर्ट से तो आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा अगर आप प्रॉपर मौसम में गए तो। तो लोकेशन में दिस डेफिनेटली डिजर्व्स सुपर से भी ऊपर। द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी ऑफ द रिसॉर्ट इज गुड, बहुत ही प्यारे लोग हैं, आपको जो जब चाहिए वो प्रॉपर टाइम पे आपको पहुंचा देंगे, सो हॉस्पिटैलिटी इज गुड। द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्फर्ट, द रूम्स आर एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर, सो कम्फर्ट में भी दिस स्कोर्स गुड। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेकोर, डेकोर बहुत ही नेचुरल है, रूम के अंदर आपको माउंटेन्स दिखेंगे, उसमें वेजिटेशन दिखेगा, और क्या चाहिए एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए, सो डेकोर बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक, सो आई विल गिव इट अ फुल मार्क्स। सो आई वुड से अगर आप नेक्स्ट टाइम कालिम्पोंग जा रहे हो तो फिर एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस के लिए, एक कंफर्टेबल पीसफुल स्टे के लिए आप डेफिनेटली जो पडेलो इन चूज कीजिए, इट्स वैल्यू फॉर मनी, और फिर आप मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए आज का वीडियो यही तक, अगर आपको जोपा डेलो इन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। फॉर मोर सच ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वन।
तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।